नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स स्टडी के एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल और ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं। बाकी बाद में फिर जो बचेंगे तो फिर इसको देख लिया जाएगा। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक चेंज हो गया है वो क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया से रिलेटेड, स्क्वायर के प्रॉपर्टीज, स्क्वायर क्या होता है, ये इन सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। और मैं कल पीपीटी का पेपर देख रहा था पिछले साल का, उसमें ज्योमेट्री पोर्शन के कुछ ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, 9th लेवल के सिमिलरिटी से, कन्वेंसी से और थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इसमें होते हैं और मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन। तो मेंसुरेशन का जो पार्ट है वो अलग से बना हुआ है। और अभी इसमें स्क्वायर हो जाए, रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल से जितने भी हैं, क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर रेक्टेंगल जितने भी आते हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन या जितने तरह के आपके इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं या ये शेप कैसे होते हैं, इनमें क्या 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 इनके डायगोनल्स हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है स्क्वायर। अब स्क्वायर, अगर स्क्वायर की बात करें तो ये स्क्वायर क्या होता है, तो दरअसल मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो स्क्वायर होता है ये सभी लोग ये सभी जो हैं क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत आते हैं। कितने किसके अंतर्गत आते हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत आते हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, ठीक है। अब जितने भी चार चतुर्भुज से मतलब क्या हो गया, जिसकी चार भुजाएं हो, चार कोण हो, ठीक है। यानी जिस आकृति की, जिस बंद आकृति के चार भुजाएं और चार कोण हो, या चार भुजाओं और चार कोणों से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चार कोण हो उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं या चतुर्भुज कहते हैं। यानी एक क्वाड्रिलेटरल क्या है, जिसमें फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स होते हैं, फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स से बने पॉलीगन या क्लोज कर्व को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसमें कई प्रकार के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, जैसे आपका होता है स्क्वायर, सबसे पहले पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज दूसरा होता है, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर और वर्ग, ठीक है। तो ये टॉपिक हम आज लेके आए हैं। क्वाड्रिलेटरल के समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि इसके बारे में मैं कल अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, जब रेक्टेंगल के बारे में बात करूंगा। वैसे मैं बताया देता हूँ कि ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों जोड़े अपोजिट साइड के दोनों जोड़े, ठीक है ना, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी सी डी, इसके दोनों जोड़े ए बी और सी डी, ये भी ए बी पैरेलल होगा सी डी के और बी सी पैरेलल होगा ए डी के, ये हुआ। और दोनों इक्वल भी होते हैं तो ये क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। और इनके अपोजिट एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। और जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके सभी एंगल्स का, यानी चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा b इंटू एच, मतलब यहाँ से अगर कोई हाइट खींच दी जाए तो ये इसकी h हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, अब ये इसका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में, तो स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, लेकिन सभी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो अब हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में जान गए हैं कि इनके सभी एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, का जो सम होता है, सभी एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो स्क्वायर भी क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है या पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर के बारे में क्या करेंगे कि स्क्वायर चार बराबर भुजाओं, ठीक है, चार बराबर भुजाओं से बनी बंद आकृति को चार बराबर भुजाओं से बनी बंद आकृति को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। यानी यहां पे क्या करना है कि इक्वल साइड्स, इसकी चारों जो साइड्स होती हैं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, और जो इक्वल साइड से बने क्लोज कर्व को, अब क्या इक्वल फोर साइड से बने क्लोज कर्व को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, यानी इसका शेप ऐसे बनेगा। और इस पे ये बात है कि इसका जो एंगल होता है वो एंगल भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यानी अगर इसकी ये साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी, ये साइड भी ए होगी और ये साइड भी ए होगी, चारों साइड के होंगे बराबर होंगे। इसका जो एंगल होता है वो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री। और इसकी जो डायगोनल होगी, डायगोनल मीन्स ये इसकी साइड विकर्ण, विकर्ण इसका क्या होगा, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस, अभी अच्छे से इसको समझ लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, इसको अगर हम नाम दे दें ए बी सी और ये डी हो गया, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसके बारे में पहले मैं डिस्कशन अपने पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, वो जो पहले वीडियो बन चुके हैं उनको अगर आप अच्छे से देखेंगे, ट्रायंगल में, ट्रायंगल का जो चैप्टर है वीडियो फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन सब में इसके बारे में पहले ही डिस्कशन किया जा चुका है। तो उनको पीछे करके हमारे पिछले वीडियो जो है चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो जितने भी आपके पास जितने भी चैनल में वीडियो होंगे वो सब आपको मिल जाएंगे, और उनमें जा करके आप इस वीडियो के पिछले वीडियो का लिंक भी उसमें नीचे दिया रहता है। तो चैनल को सबसे पहले आप लाल बटन, जैसे ही आप चैनल को खोलेंगे तो उसमें लाल रंग का यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा, तो इसको आप दबाएंगे। इसके बाद आपको ऐसे घंटी बनते दिखेगी तो उससे उसको आप दबा देंगे तो जल्दी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसको आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। और घर में बैठ करके इस समय इसको कॉपी लेके और इसको लिखते जाइए, और वीडियो जैसे ही थोड़ा इसे हुआ है, कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि बहुत स्पीड जो है बहुत कम हो, क्योंकि अगर जो तो पहले से जिनको पता है मैथ
आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो सीख रहे हैं नए हैं या टेंथ के बाद मैथ उनका दूसरा सब्जेक्ट था तो उसमें उनकी गलती कुछ नहीं है, जो जिस सब्जेक्ट को पढ़ता है उसका नॉलेज उसी पर अच्छा होता है, तो उसकी पकड़ अगर मैथ में नहीं है तो धीरे धीरे क्या होती है मैथ में पकड़ आ जाएगी, क्योंकि अभी प्राथमिक शिक्षक का पेपर आएगा, अभी पीपीटी का, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस पर जो पीपीटी पर बेस्ड है, और ये जो प्राथमिक शिक्षक और सीजीटीईटी का जो एग्ज़ाम होना है उसके बेस्ड पर अभी सीटीईटी का भी आ गया है, जो फॉर्म भरे थे तो उसका जुलाई में पेपर था तो शायद अब पोस्टपोन हो गया है, तो उसका नया नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो ये आपके काम आएगा, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये भी ए है और ये भी ए है, यानी दोनों साइड बराबर होती हैं, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टू ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी ये जब स्क्वायर उधर जाता है तो ये रूट हो जाएगा और ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब जो चीज स्क्वायर में होती है रूट के बाहर आ जाती है, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए रूट टू, यानी इसकी डायगोनल क्या होती है ए रूट टू होती है। ए रूट टू मतलब जितनी भी साइड हो, साइड अगर ए है तो उसके साथ रूट टू बाई इंटू हो जाता है। ये तो बात हो गई इसकी डायगोनल और स्क्वायर की बात हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन लेते जाते हैं और क्वेश्चन के साथ इसमें जो भी हमने पढ़ा है, जो भी इसमें बीच में आएगा उसके बारे में डिस्कशन करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 225 अनुपात 256 हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर एक, कोई दो स्क्वायर हैं उनके जो एरिया का जो रेशियो है वो यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात 225 अनुपात 256 है तो उनके परिमितियों का या परिमापों का अनुपात क्या होगा, परिमापों का अनुपात क्या होगा। जल्दी से इसको कोशिश करिए करने की, का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ये यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इफ रेशियो ऑफ टू स्क्वायर्स आर 225 रेशियो 256, देन व्हाट इज रेशियो ऑफ देयर पेरिमीटर। ठीक है, देन व्हाट इज रेशियो ऑफ देयर पेरिमीटर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 225 अनुपात 256 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, यानी इफ रेशियो ऑफ टू स्क्वायर्स आर 200, इफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स आर 225 रेशियो 256, देन व्हाट इज रेशियो ऑफ देयर पेरिमीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या होगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, इसको क्वेश्चन को इस तरह क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपको अगर दिया हो, यदि किसी
वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात यदि किन्हीं दो, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात x अनुपात में y है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? रूट एक्स रेशियो रूट वाई होगा। ठीक है, यानी रूट जितना भी उनका रेशियो दिया उसमें आपको रूट लगा देना है। ठीक है, रूट एक्स रेशियो रूट वाई होगा। लेकिन अगर इसी को हम उल्टा कर, अगर परिमाप कितना हो एक्स रेशियो वाई हो तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक आपके काम आएगी। तो यहाँ पे कितना दिया, क्षेत्रफलों का अनुपात 225, तो यानी 225 रेशियो 256 में आप रूट लगा दीजिए दोनों का। ठीक है, तो 225 पिछले वीडियो में बताया हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो ये किसका स्क्वायर होता है 15 का, 15 रेशियो 16, तो इनके पेरीमीटर का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15:16, यानी 15:16 इनके पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया आपको, तो इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में बात किसकी आई है, आयत की आई है। आयत क्या होता है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में नाम ही है उसका राइट एंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6-7 में पढ़े हैं, क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ एंड पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इनटू लेंथ प्लस विड्थ। ये अगले वीडियो में रेक्टेंगल ही चैप्टर हमारा आएगा। एक आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 130 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत की सिर्फ लंबाई 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो नया परिमाप क्या होगा? देखिए प्रश्न नंबर 2 है, यदि किसी आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आयत की सिर्फ लंबाई 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल, तो नया परिमाप क्या होगा? तो नया परिमाप क्या होगा? देखिए, यदि किसी आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 130 है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? देखिए, लंबाई बराबर उनको पता नहीं, चौड़ाई बराबर कितनी है 10, तो एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है, यानी लेंथ इनटू विड्थ इक्वल टू क्या दिया है, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये एल से लेंथ हो गई, बी से विड्थ हो गई, तो लंबाई ये चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर चौड़ाई हमारे पास है तो हम इसको लंबाई निकाल लें 130 और चौड़ाई की जगह हम 10 रख दें तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 130 बटे और 10, यानी ये क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू ये
आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी सिर्फ लंबाई, आयत की सिर्फ लंबाई 7 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, यानी पहले लंबाई कितनी है 13 है, ठीक है। तो अब चौड़ाई यानी लेंथ बराबर लेंथ इक्वल टू 13 है, अब बी इक्वल टू कितना है, बी इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर। अब अगर लेंथ इक्वल टू 13 प्लस 7 लंबाई अगर बढ़ा दी जाए तो ये न्यू लेंथ इक्वल क्या हो गई इसकी 20 हो गई, ब्रेथ जैसी है उतनी ही है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, यानी 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 20 और लंबाई हो गई 20 और चौड़ाई हो गई 10, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है, ये हो गया 30 तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर। तो इसमें बढ़ा दिया है तो नया परिमाप क्या होगा, तो जो नया परिमाप आएगा वो कितना होगा 60 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि दो वर्गों के परिमापों, अब ये इस तरह से क्वेश्चन को लेके आपको बढ़िया प्रैक्टिस करनी है तो आपका समय नहीं बचेगा, पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे क्योंकि आप पीपीटी का एग्जाम में 50 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 50 क्वेश्चन साइंस के, उसमें फिजिक्स का जो पोर्शन होता है उसमें क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो उनको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आपको टाइम की बचत करनी है, ठीक है। दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा, यानी आपको दो क्वेश्चन इसमें दो तीन क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर, जैसे मान लीजिए ये आपका एक स्क्वायर हो गया, ये राम का कोई फील्ड है, ठीक है, ये प्लॉट यहां पर है, तो इसका जो परिमाप है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा ये श्याम का हो गया और इसका जो परिमाप है वो 32 सेंटीमीटर, परिमाप मतलब पेरीमीटर, यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ पेरीमीटर, यानी आपको यहाँ पे दो स्क्वायर दिए हुए जिनके पेरीमीटर, इफ पेरीमीटर आप टू स्क्वायर आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड देन एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज सम ऑफ देयर टू स्क्वायर्स, देन व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक फील्ड ये हो गया जिसका जो पेरीमीटर यहाँ पर है 24 सेंटीमीटर और दूसरा यहाँ पे स्क्वायर हो गया जिसका पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर है और यहाँ पर कोई मोहन है, इसका जो इन दोनों का जो एरिया है उसके एरिया के बराबर इसका फील्ड है, ठीक है। यानी तो इस एरिया इस फील्ड का पेरीमीटर एरिया जो होगा इन दोनों के एरिया के इक्वल होगा। अब इस फील्ड का हमको पेरीमीटर फाइंड करना है, समझ में आ गई बात। तो इसकी साइड मान लीजिए ए हो गई, तो इसका पेरीमीटर इक्वल टू परिमाप बराबर क्या होता है,
परिमाप बराबर होता है 4 × भुजा, किसी भी वर्ग का परिमाप यानी पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 × साइड। तो 4 × साइड, इसकी मान लीजिए साइड ए है तो ये हो गया 24, तो साइड इसकी क्या हो गई 24/4। अब जब ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में डायरेक्ट इसको आप क्या कर देंगे 4 से डिवाइड और आपका 6 आ जाएगा। जब एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तभी आने लगेगा, तो समय नहीं लगेगा, अभी इसमें समय लगेगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको जानना है। तो ए इक्वल टू आपका क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया, क्योंकि इन दोनों के एरिया का इक्वल ही एरिया है, इन दोनों के एरिया के प्लस के इक्वल वो एरिया है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। सबसे पहला वीडियो में इसी से रिलेटेड वहां पे पहला वीडियो मेरा इसी से रिलेटेड आया था। तो भुजा गुणे भुजा यानी 6 × 6 बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, मीटर में तो मीटर स्क्वायर आपको लिखना। तो इसका एरिया कितना हो गया 36। इसी तरह अब इसमें करना है किसके डिवाइडेड बाई 4, तो इसकी साइड निकल आएगी तो 4×8=32 होता है ना, 4×32। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा 8×8=64 क्या हो जाएगा 64। अब 36 और 64 को ऐड कर दीजिए तो 6400 है ना, और ये 639 ठीक है, और 910 आ जाएगा, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसकी भुजा भी हमको निकालनी पड़ेगी ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा गुणे भुजा यानी भुजा गुणे भुजा। तो भुजा गुणे भुजा यानी एक का स्क्वायर या भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 100 है ना। तो अब ये भुजा इक्वल टू क्या हो गया √100, तो यानी भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, यानी साइड इक्वल टू 200, तो साइड इक्वल टू यहाँ पे 10 आ गया। इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप बराबर क्या होगा 4 × साइड होगा, यानी 4 × भुजा होगा, तो यानी 4×10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी इसका परिमाप क्या होगा 40 सेंटीमीटर होगा। यानी इसका न्यू जो आपका इस फील्ड आएगा इन दोनों के एरिया के संपेक्ष पर मान लीजिए इसका क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर तथा 80 सेंटीमीटर है, तो इन वर्गों का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो ये क्वेश्चन उसी तरह से है जिस तरह से ये क्वेश्चन है, ठीक है। यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई ए सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विकर्ण से रिलेटेड। ये मैं क्वेश्चन सब बताते जा रहा हूँ, इसमें जो भी फार्मूले यूज हो रहे हैं इनको आप नोट कर लेंगे और इनको आप देखेंगे, एक दो बार रिवीजन करेंगे, अपने आप ये बनने लगेगा। यानी आपको ये देखना है यदि किसी वर्ग का विकर्ण, यदि किसी वर्ग का विकर्ण ए है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ए है, ए इफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज ए देन व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो उसका क्षेत्रफल या परिमाप दोनों मैं बताए देता हूँ, क्षेत्रफल और आवलिक परिमाप, ठीक है, क्या होगा यानी उसका पेरीमीटर, अगर इसकी डायगोनल ए है, डायगोनल इक्वल टू अगर ए है तो उसका एरिया और पेरीमीटर दोनों क्या होंगे, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, मान लीजिए आपका
क्या हो गया देखिए, ठीक है, ये आपके डायगोनल हो गया। डायगोनल क्या है? ए है, ठीक है। अब इसकी जो साइड होती है, दोनों साइड क्या होती है? एक्स एक्स होती है, यानी बराबर होती है, ठीक है। और जो डायगोनल होता है ये एक्स होगा और ये भी एक्स होगा, ठीक है। यानी ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, अभी मैं पिछले बार बताया, हम किस समय बता देता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे तो ये एच का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर या पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बी का स्क्वायर, तो एच इक्वल टू यहाँ पर ए का स्क्वायर, पी इक्वल टू भी एक्स है। एक्स क्यों? क्योंकि ये इसकी सभी साइड इक्वल होगी, तो ये साइड कितनी होगी? ये साइड भी उतनी होगी, तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। अब दोनों में स्क्वायर लगा दीजिए, तो ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 2x स्क्वायर, तो a इक्वल टू क्या हो गया? रूट 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका? a इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? x रूट 2 हो जाएगा। ये इसकी डायगोनल होगी। तो अगर इसकी डायगोनल ये है तो इनका एरिया क्या होगा? तो इनके एरिया, तो साइड इनके हमने क्या मान लिया? एक साइड आप देखिए डायगोनल आप यहाँ पे ये इसको यूज नहीं करना, ठीक है, ये ठीक है, ये जान गया। तो इसका एक फार्मूला होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है ए रूट टू, इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। यानी आपकी इसको यहाँ पे यूज मत करिएगा, ठीक है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए रूट टू, तो ए रूट टू ए जो होती है साइड होती है, इक्वल टू आपका क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। ये ए इसकी साइड हो गई, यानी भुजा रूट दो, यहाँ पे ए की जगह क्या लिख दीजिए? भुजा यानी साइड रूट दो बराबर ए, ठीक है, रूट टू इक्वल टू ए। तो यहाँ पे इसका भुजा बराबर क्या हो जाएगी? भुजा बराबर क्या हो जाएगी? ए बटे रूट दो हो जाएगी, ये इसकी भुजा आ गई। अब इसका एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल टू क्या होता है? एरिया इक्वल टू होता है साइड इनटू साइड, यानी भुजा गुणे क्या हो गया? भुजा हो गई, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए रूट टू इंटू ए रूट टू हो जाएगा, यानी ए का स्क्वायर ऊपर के साथ इंटू होता है नीचे के साथ, अब रूट टू का रूट टू के साथ इंटू होगा तो टू आ जाएगा, ये इसका एरिया, ठीक है। अब अगर पेरीमीटर होता तो पेरीमीटर यानी परिमाप होता अगर, तो क्या करते है इसको? पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाता? 4 इंटू ए अपॉन रूट टू हो जाता, ठीक है। तो ए यानी 4 ए अपॉन रूट टू हो जाता। अब इसको रेशनलाइजेशन करके फिर आंसर लाएंगे, तो वो जब रेशनलाइजेशन का चैप्टर चलेगा तो फिर उसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि अगर डायगोनल दिया हो तो आपको डायरेक्ट इसकी साइड निकालना है। जैसे मान लीजिए, इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट और मैं क्लियर कर दूं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, और इसकी मैंने डायगोनल आपको दे दी 8 दे दी, 8 सेंटीमीटर दे दी, ये 8 सेंटीमीटर। तो अब इसका आपको साइड फाइंड करना है, तो साइड कैसे फाइंड करेंगे? डायगोनल इक्वल टू क्या होता है? डायगोनल इक्वल टू होता है ए रूट टू, ए रूट टू होता है, यानी ए रूट टू इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। डायगोनल की जगह ये हो गया ना, विकर्ण की जगह ये हो गया 8 सेंटीमीटर, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 रूट टू हो जाएगा। अब इसका एरिया आपको फाइंड करना है, तो एरिया आप फाइंड करिए, उसको रेशनलाइज करेंगे, इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो रूट टू अपॉन रूट टू हो जाएगा, यानी a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 8 रूट टू अपॉन रूट टू, रूट टू का इंटू होगा 2 से, ये हो जाएगा 4 रूट टू, यानी आपकी साइड क्या आ जाएगी? 4 रूट टू आ जाएगी, ठीक है। तो 4 रूट टू, अब साइड मिल गई तो आप एरिया निकाल लीजिए, 4 इंटू साइड करके आप एरिया भी निकाल सकते हैं, पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया,
इनको आप वीडियो को बीच में रोक करके और इन क्वेश्चन को भी आप लिखते जाइए, फिर अपने सामने इसको अपने से कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। अगर बनने लगे तो मान लीजिए कि ये आपका जो स्क्वायर है उसको पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर मिक्स क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जिसमें स्क्वायर रेक्टेंगल सब एक साथ आ जाएंगे। इसी क्वेश्चन में स्क्वायर है तो रेक्टेंगल क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर उसको करवाऊंगा मैं, ठीक है। अब इसके बाद है किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है क्या होगा, ठीक है। देखिए ये प्रश्न भी रिलेटेड है, मतलब एक का रिलेशन दूसरे से, ठीक है। तो यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, इफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 4√2, तो और एक अन्य वर्ग का विकर्ण का क्षेत्र, तो एक अन्य वर्ग का विकर्ण क्या होगा यदि इसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना, यानी देखिए ये क्वेश्चन साफ, कोई वर्ग है यानी कोई स्क्वायर है, इसकी डायगोनल आपको 4√2 दी हुई है, ठीक है। और उसका जो इस स्क्वायर का जो एरिया, मतलब ये आपका एक स्क्वायर हो गया, इसकी डायगोनल कितनी दी हुई है, 4√2 दी हुई है, ठीक है। अब एक और है स्क्वायर जो इसका एरिया है उससे ये डबल, ठीक है ना। तो पहले हमको ये जानना जरूरी कि इसका एरिया क्या, तब इसका डबल हम कर देंगे, तो यानी ए रूट टू इक्वल टू आपका क्या आ गया, 4√2। ये मैं क्यों लिखा, क्योंकि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है ए रूट दो, तो ए रूट दो और ये कितना है 4√2, √2 कैंसिल, तो ए इक्वल टू 4 आ गए, यानी इसकी साइड 4 आ गई, तो एरिया कितना होगा 4 × 4 यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना होगा, 16 × 2 यानी दुगना है ना, यानी 2 times है, इसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना यानी 2 times है ना, ये 2 times हो गया, तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो अब इसका हमको डायगोनल फाइंड करना, तो डायगोनल फाइंड करने के लिए हमको साइड फाइंड होना, साइड अगर फाइंड कर ले तो हमको डायगोनल फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो ए इक्वल टू आपका क्या आ गया, ए इक्वल टू 4 आ गया, और इसका जो एरिया आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो एरिया होगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका साइड इंटू साइड का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 32, ठीक है, 32 हो जाएगा, तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 32 अंडर रूट हो जाएगा, तो ये साइड इक्वल टू इसकी क्या आ जाएगी 32, यानी इसको हम अगर छोटे छोटे टुकड़ों में फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 × 5 times 32 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे जोड़ा बनाने के लिए, तो ये 16 हो गया, 2 हो गया, चाहे तो आप √16 × 2 भी लिख सकते हैं, √16 की वैल्यू 4 होती है और √2 अंदर अकेला रहेगा, लेकिन अब इसको बता दिया हूँ ऐसे, तो आप डायरेक्ट उसको कर सकते हैं, अगर आता है तो उसको करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के जोड़े बन गए, तो 2 × 2 और ये बन गया √2 यानी 4√2 इसकी साइड आ गई। अब इसका डायगोनल क्या होता है, डायगोनल इक्वल टू क्या होता है,
ठीक है। तो डायगोनल इक्वल टू क्या होता है, डायगोनल इक्वल टू क्या होता है, किसी भी रूट टू इंटू साइड होती है ना। तो रूट टू इंटू साइड कितनी है, साइड तो ये आई है ना, फोर रूट टू, फोर रूट टू, यानी आपको रूट टू इंटू रूट टू इक्वल टू कितना हो गया, टू हो गया, और ये इसकी फोर हो गई, यानी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल फोर टू जा एट हो जाएगा, एट सेंटीमीटर इसका डायगोनल, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, लंबाइयों का अनुपात। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, दो वर्गों के विकर्णों की लंबाइयों का अनुपात 2:3 है। देखिए, दो वर्गों के विकर्णों की लंबाइयों का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे लिखना है दो वर्गों के विकर्णों की लंबाइयों का अनुपात 2:3 है, कितना है 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्या होगा। देखिए, इसको आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखिए, मैं ऐसे बताए देता हूँ, अगर मान लीजिए आपके पास दो स्क्वायर, पहले मैं लॉन्ग मेथड बताया देता हूँ, तो उससे आपको डाउट नहीं है, फिर इसके बाद डायरेक्टली ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। मान लीजिए इसकी साइड ए वन है, तो ये क्या होगा, ए वन रूट टू होगा इसका डायगोनल, ठीक है। इसकी साइड मान लीजिए ए टू है, तो ये ए टू रूट टू होगा। अब इनके विकर्ण क्या हो गए, ठीक है, तो इनके विकर्ण का रेशियो ए वन अपॉन ए टू रूट टू, और ये रूट टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2:3, यानी रूट टू रूट टू कैसे, तो ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू क्या हो गया, 2:3 हो गया, ठीक है। यानी इनकी साइड का जो अब साइड एरिया क्या होता है, स्क्वायर दोनों का हुआ, तो इधर भी स्क्वायर आप लगा दीजिए, इधर भी स्क्वायर लगा दीजिए, ये हो गया 4:3, 4:9 हो गया, है ना। यानी कितनी साइड आ जाती है, उसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे डायगोनल जो दिया हो, विकर्ण जो दिए हो, उसका हम वर्ग लगा देते हैं। यानी अगर मान लीजिए इसका विकर्ण, समझिएगा, इसका विकर्ण 5 है और इसका विकर्ण 6, ठीक है, इनका क्षेत्रफल क्या होगा, तो सीधे आपको क्या करना है, 5 का वर्ग, दोनों का अनुपात अगर दिया, अनुपात ना भी दिया हो तो सीधे क्या करना, वर्ग लगा देते, और इसमें 6 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 25:36 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान है, एक दो बार करेंगे बढ़ने लगेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे इंग्लिश में नहीं इसको समझाया था कि इफ रेशियो ऑफ डायगोनल डायगोनल्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर 2:3, देन व्हाट इज रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर, नहीं देयर रेशियो ऑफ देयर एरिया, ठीक है। तो ये हो गया, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, एक वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाती है, तो उसका क्षेत्रफल में कितने गुने की वृद्धि होगी,
यानी एक वर्ग की भुजा दो गुनी कर ली जाती है, इसको आप हमेशा समझे रहिए, दो गुनी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले
एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान के बाड़ के लिए कितने बाड़ों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल वाले खेल के मैदान, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो खेल के मैदान में बाड़ लगाने के लिए ठीक है कितने मीटर बाड़ की आवश्यकता होगी, कितने मीटर बाड़ की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। यानी आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि अगर कोई फील्ड है यानी कोई प्लेग्राउंड है उसका जो एरिया दिया हुआ है, एरिया ए प्लेग्राउंड इक्वल टू 44,100 मीटर स्क्वायर, तो उसमें हमको फेंसिंग करना है। फेंसिंग करना मतलब बाड़ लगाना है, तो बाड़ लगाने के लिए हमको कितने मीटर बाड़ या तार की आवश्यकता होगी, या जितने भी वायर बाड़ लगाना है, जैसे बाड़ लगाते हैं ऐसे खेत में, तो हम यहाँ से तार यहाँ से खंभा गाड़ेंगे और यहाँ से ऐसे तार लगाएंगे। ठीक है, तो तार लगाएंगे तो ये पूरा बाउंड्री, कभी तार लगानी है, बाड़ लगानी है, फेंसिंग का क्वेश्चन आ जाए मतलब समझिएगा कि इसमें हमको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये दिया गया है क्षेत्रफल वाले खेल के, क्षेत्रफल वाले वर्गाकार खेल के मैदान को, वर्गाकार यानी स्पेरिकल है, ये फील्ड कैसा है आपका स्पेरिकल है, तो वर्गाकार खेल के मैदान में बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर बाड़ की आवश्यकता होगी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया दिया हुआ है तो एरिया से हमको क्या निकाल लेना, साइड निकाल लेना है। ठीक है, और साइड निकालने के बाद इसका हमको पेरीमीटर निकाल लेना है, यानी आपका जितना पेरीमीटर होगा आप उतनी ही बाड़ लगाएंगे। जैसे यहाँ से आप बाड़ लगाना शुरू करेंगे तो इसका पेरीमीटर सपोज दैट हमने निकाल लिया है 20 सेंटीमीटर, तो ये पूरी बाड़ की जो लंबाई है, ये जो तार हम लगाएंगे वो है इसकी तार की लंबाई और वही इसका पेरीमीटर होता है। तो कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो इसका एरिया, इसकी साइड हम मान लेते हैं कितनी है, ए है, इसकी साइड हम क्या मान लिए, ए है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा यानी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ए का स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या दिया है, ए का स्क्वायर इक्वल टू 441 और यहाँ पे क्या दिया है 100। ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट पे हो जाएगा 441 और 00। तो कल मैं इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बताया था कि ये 441 जो होता है 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट उसका क्या हो जाएगा 21 और ये 00 होना, तो स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो 10 लिख लेते हैं, यानी इसके जो इसका जो इसकी जो साइड आ गई वो कितनी आ गई 210। अब इसको सीधे आप पेरीमीटर निकाल दीजिए, तो पेरीमीटर इसका परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 4 × भुजा यानी 4 × साइड, साइड होता है तो यानी 4 × भुजा कितनी हो जाएगी 210। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो ये जो फार्मूले हैं इसको आपको, चलिए मैं किए देता हूँ 0, 4 × 4 सेंटीमीटर, मीटर में दिया मीटर में या सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में, तो यानी जो बाड़ लगाई जाएगी उसकी लंबाई कितनी होगी 840। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें 2 बार बाड़ लगाना है। ठीक है, यानी कितने बार बाड़ लगाना है, 2 times इसमें बाड़ लगाना है। तो एक बार का अगर आपको निकल गया तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो आपका ये भी आंसर आ जाएगा 1680 आ जाएगा। ठीक है, 2 बार अभी तो इस क्वेश्चन में इतना ही आंसर है। ठीक है, अगर आपको कभी आ जाए कि इसमें 2 बार बाड़ लगाना है जैसे, तो आप कैसे करेंगे, तो इसको पहले एक बार निकाल दीजिए, एक बार निकालने के बाद उसमें 2 का इंटू कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद
ये अच्छा क्वेश्चन है। 1.2 मीटर लंबाई और 96 सेंटीमीटर लंबाई के कपड़े से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यानी इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 1.2 मीटर और 96 मीटर सेंटीमीटर चौड़ाई, चौड़ाई के कपड़े से के कपड़े से के कपड़े से 0.2 सेंटीमीटर के कितने वर्गाकार के कितने वर्गाकार रुमाल बनाए जा सकते हैं। वर्गाकार रुमाल या कोई डिजाइन हो रुमाल बनाए जा सकते हैं, कपड़ा बिल्कुल बर्बाद ना हो सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, आपको जैसे आपका घर होता है, जैसे आप डिजाइन करते हैं, महिलाएं कढ़ाई करती हैं, तो पहले आप उनके पास ऐसा कोई कपड़ा है, समझिएगा ये ऐसा कोई कपड़ा है। अब ये कपड़ा कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप पे है, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। तो इसकी लंबाई कितनी दी हुई है 1.2 मीटर है और इसकी विड्थ क्या है 96 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब तो या तो पहले इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए या तो मीटर को मीटर में, कभी भी अलग अलग यूनिट हो। अगर इसकी मेजरमेंट जो है एक को सेंटीमीटर में एक मीटर में, तो दोनों को पहले सेम करना होता है। सेम करने से ही आंसर आएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। यानी 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर होता है। तो 1. देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1.2 और इधर भी 1 इंटू 1.2 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, दो जीरो है तो डेसिमल यहाँ पे हो जाएगा, एक जीरो इन्वेस्ट हो जाएगा इसमें डेसिमल हटाने में और एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। यानी इसकी लंबाई कितनी हो गई 120 सेंटीमीटर हो गई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो पहले इसका एरिया निकाल, अब इसमें छोटे छोटे ऐसे डिजाइन स्क्वायरिकल आपको डिजाइन बना दें, ठीक है, या इसको काट करके रुमाल निकाल लेने, ठीक है। अब प्रत्येक रुमाल की जो लंबाई है वो 0.24 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.24 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया पहले पूरे का एरिया हम निकालेंगे, पूरे का एरिया क्या होगा, और हम डिवाइड कर देंगे एक इसका एरिया, तो हमको पता चल जाएगा कि इतने रुमाल हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी आयत का परिमाप, ये आयत हो गया, आयत का क्षेत्रफल, परिमाप की क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, ए गुणे ए, यानी आयत में 120 सेंटीमीटर इंटू 96 सेंटीमीटर अपॉन 0.24 इंटू 0.24 इतना हुआ। ये कितना है सेंटीमीटर में, ठीक है, 0.25 मीटर है, ठीक है, ये मीटर में है। तो इसको भी अगर मीटर में है, 0.24 मीटर है, सॉरी ये मीटर में रहा, तो 0.2 मीटर मीटर में है, इसको भी हमको शुरू में क्या करना है, सेंटीमीटर में बदल लेना है। तो 0.24 इंटू 100 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हमें आ जाएगा, ठीक है, ये मीटर में है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 इंटू 24 हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर में है, तो इसको भी हमने सेंटीमीटर में कर दिया, इसको भी हमने, तो ये क्या हो जाएगा 24 फोरजा, और ये क्या होता है 24 फाइव जा। 24 की टेबल पढ़ेंगे अगर,
तो 24 3 जा 48 24 3 जा 72 और 24 4 जा 96 होता है, 24 5 जा 120 होता है, यानी 5 × 4 = 20। आपके रुमाल्स या 20 हैंकी आपकी बन जाएंगी या आपके 20 डिजाइन आ जाएंगे इसमें, ठीक है, 20 रुमाल इसके बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और आपका कल जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रेक्टेंगल का रहेगा। रेक्टेंगल में स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों को मिक्स करके जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये अभी मिक्स था, रेक्टेंगल भी था इसमें और स्क्वायर भी था, तो ऐसे क्वेश्चन भी और कुछ ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा सर्कल चैप्टर का, ठीक है, तो इसमें ऐसे कल क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ये अगर ऐसा फील्ड है तो इसके यहाँ पे इसका एरिया क्या होगा, ठीक है, तो इससे रिलेटेड शॉर्ट टिक ट्रिक और फार्मूले जो भी होंगे तो इससे देखेंगे। फिर सर्कल चैप्टर में ये सब चीज़ें मेंसुरेशन पढ़ाने से पहले आपको सब जानना जरूरी है, क्योंकि मेंसुरेशन में ये मेंसुरेशन ज्योमेट्री भी इसको कह सकते हैं और मेंसुरेशन में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्टिंग में दोनों में हो गया, तो ठीक है। वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं तो शेयर करें, और इससे क्या होगा कि हमारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा चैनल चल रहा है, तो हमारा वीडियो और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा मैं, और जितना अच्छे से अच्छे कंटेंट्स होंगे जो मेरे पास टॉपिक होंगे जो आपके लिए यूजफुल होंगे वो मैं लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।